अनुरोध करता हूँ कि वो परम पूज्य शिक्षा की देवी माँ सरस्वती जी का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आइए अंकित जी, दीप प्रज्वलित कार्यक्रम उधर से करेंगे। उधर पानी ला भैया, पानी दो थोड़ा सा। ये रखा सामने बॉटल रखी बॉटल क्लास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ इस शिक्षा के बारे में आकर हम सभी लोगों को संबोधित करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो संजय जी ने संजय जैसी दृष्टि से माँ सरस्वती की कृपा से जो वैश्विक आपदा के नाते एक बहुत बड़े संकट में मानवता फंस गई थी, ऐसे संकट के समय में भी, और ये स्वाभाविक भी है, पूरी दुनिया अपेक्षा की दृष्टि से भारत को देखती भी है और उस अपेक्षा की दृष्टि के अनुसार ही जो भारतीय शिक्षक की मंशा है, मनीषा है, उसने उसी अनुरूप, माने आप कल्पना करिए कि वैश्विक आपदा के समय जो विद्यार्थियों की विद्या अर्जन करने की जिज्ञासा शांत करने की ये सारी प्रक्रिया थी, वो काफी हद तक निर्बाध रही। शिक्षकों ने अपनी बहुत कठिन होता है 30-30 साल 40-40 साल जिन्होंने एक विधा में अपने को प्रस्तुत किया हो विद्यार्थियों के सामने, और वो इस आपदा के सामने तुरंत डिजिटल हुए, और क्योंकि ये समय की आवश्यकता थी, विद्यार्थियों की आवश्यकता थी, और एक एक शब्द उनका रिकॉर्ड हो रहा है और टीचर्स ने अपने आप को मॉडिफाइड किया आवश्यकता के अनुसार। कई सारे शिक्षक टेक्नोक्रेटिक थे और कई नई थे, और लेकिन उन्होंने उन सारी एपरेटस को समझने की कोशिश करी कैसे वो डिजिटली कनेक्ट हो सकते थे स्टूडेंट्स के साथ और प्रॉपरली कनेक्ट हो सकते थे। इवन एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसेस थे वो भी डिजिटली लोगों ने कंडक्ट करने का प्रयास किया है, और ये जहां मैं यहाँ खड़ी हूँ शिक्षा सेतु के कार्यक्रम में, तो ये एक कदम और आगे की बात है कि जब आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, स्किल्ड भारत, अपग्रेडेड भारत, दुनिया के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल करने के लिए खड़ा हुआ भारत, उस तरफ जब भारत बढ़ रहा है, तो कैसे हमारे ये जो सेवाएं हैं उन सारी सेवाओं के लिए दक्ष युवक और युवतियां कैसे तैयार होंगे। तो एक ट्रेनिंग सेंटर हो, ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ वो ऐप के माध्यम से वो सारी चीजें जो वो डिमांड कर रहे हैं नॉलेज की, वो ऐप के माध्यम से वो नॉलेज, वो सारी क्यूरीज उनकी वो पूरी होंगी। इस तरफ आदरणीय संजय जी ने अपनी पूरी टीम के साथ, अपने बड़ों के आशीर्वाद से और अपने सहयोगियों के माध्यम से एक बहुत आवश्यकता वाले क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए अपने को प्रस्तुत किया है। मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अभिनंदनीय, इस समय सराहनीय काम है, उसमें आप आगे आए हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और एक ये कि अपने को अपग्रेड करते हुए, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है और आने वाला भी काफी समय हमें फिजिकली दूर ही रहना है, और ऐसे समय पर ये जो चुनौतियां हैं उसमें ये ऐप के माध्यम से आगे आकर आना और इसको कैसे हम और
इनरिच कर सकते हैं, और कैसे हम इसको इसको विकल्प तो नहीं कह सकते जैसी शिक्षा पद्धति में हम थे, लेकिन जैसे कई क्षेत्रों में ये निकल करके आया है कि कोविड जैसे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान कि आपदा में हम संभावनाएं और अवसर देखें, चुनौतियां न सिर्फ पार करने की जद्दोजहद में रहें बल्कि चुनौतियों को भी अवसर के रूप में हम कैसे बदल सकते हैं, देख सकते हैं और उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर कोविड के कारण हम अपनी क्लासेस नॉर्मली कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ऐप के थ्रू हम स्टूडेंट्स और टीचर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐप के थ्रू ये कनेक्शन जहां टाइम बचा रहा है वहां टेक्निकली कैसे हम टीचर्स को भी ट्रेंड करके और इसको रिलायबल कर सकते हैं और यूजफुल कर सकते हैं, और टीचर्स के लिए स्पेशली सेशंस चलाकर टीचर्स को अगर हम और इसके लिए अपग्रेड करें, उनको मेंटली और फिजिकली वो और कैसे टेक्निक पर बेस्ड हो सकते हैं, टेक्निकल अपग्रेड हो सकते हैं और टेक्निकली इक्विपमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अगर इस तरफ भी हम उनकी मदद भी करेंगे तो ये हमारा ऐप और वर्किंग में आ सकता है। बहुत सारे हमारे यूथ जो हैं जो अपनी सेवाएं देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत होना चाहते हैं, योग्य हैं, मेधावी हैं, इस ऐप के थ्रू जुड़ने वाले सभी युवाओं को मेरी बहुत बहुत उनके सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। इस पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कभी किसी योगदान की, सहयोग की, साथ खड़े होने की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने